हेलो स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 का आर्यस अग्रवाल से एक्सरसाइज 9C देखने जा रहे हैं, जिसमें लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम सम्स हैं। तो मैं पहली प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए, पहली प्रॉब्लम कहती है इफ 9 इज एडेड टू अ सर्टेन नंबर द रिजल्ट इज 36। मतलब किसी नंबर में 9 ऐड करने पर हमारा रिजल्ट 36 है, तो वो नंबर बताना है कितना है। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें बतानी है उसको हम कोई वेरिएबल मान लेंगे, जैसे हमने एक्स मान लिया नंबर को, और कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9C, देन एक्सरसाइज 9C, क्वेश्चन नंबर 1, लैंग्वेज है 9 एडेड टू सर्टेन नंबर, 9 एडेड टू, अब सर्टेन नंबर इसको मैं एक्स मान लेंगे, एक्स इज 36। ये क्वेश्चन क्या है, जो सर्टेन नंबर है उसको हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है, तो लेट 9 एडेड टू एक्स इज 36, देन वी कैन राइट 9 प्लस एक्स इक्वल टू 36, देन एक्स इक्वल टू 36 माइनस 9, तो वैल्यू कितनी आ गई 27। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 27, द रिक्वायर्ड नंबर इज 27। और आप चेक कर सकते हैं कि 27 में 9 ऐड करने से 36 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने बहुत इजीली पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। इसी तरह से मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने जा रहा हूँ, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इफ 11 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर। तो क्वेश्चन 2 जो है वो कह रहा है 11 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स नंबर, फ्रॉम 4 टाइम्स नंबर का मतलब है कि 4 टाइम्स एक्स, नंबर को क्या मान लिया एक्स इज 89, रिजल्ट है 89। 11 को सब्ट्रैक्ट किया गया नंबर के 4 टाइम्स, यानी कि 4 टाइम्स का 4x हो गया, मीन से हमने 11 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें 89 मिलता है। तो 4x की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी 89 प्लस 11, तो 4x कितना हो गया 100, x कितना हो गया 100 अपॉन 4, कितना हो गया 25। रिक्वायर्ड नंबर इज 25, रिक्वायर्ड नंबर इज 25। नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हेन राजू मल्टीप्लाई सर्टेन नंबर बाय 17 एंड ऐड 4 टू द प्रोडक्ट, पहले एक नंबर को 17 से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर प्रोडक्ट में 4 को ऐड किया जाता है, तो आंसर 225 मिलता है। अब इसकी कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने नंबर को पहले क्या मान लिया x, लेट रिक्वायर्ड नंबर इज x, required number is x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 17 is added to the 7, राजू मल्टीप्लाई की सर्टेन नंबर बाय 17 से x को मल्टीप्लाई करता है और उसमें 4 ऐड कर देता है, इस प्रोडक्ट में 4 ऐड कर देता है, तो आंसर 225 आता है। ये है therefore, तो 17 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हुई 225 माइनस 1, तो 17 एक्स की वैल्यू हो गई 221, तो एक्स की वैल्यू हो गई 221 और 17
17 का 17 5 बचेगा 51 70 का रिक्वायर्ड नंबर कितना आ गया 30 रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू ये मान हो गया क्वेश्चन नंबर 5 नोट डाउन कर लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 10 में भी जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 10 सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स कॉन्सिक्यूटिव होते हैं लगातार इवन जो दो से कटने वाले हो और आपको पता है कि चाहे नंबर इवन हो चाहे ऑड हो उनके बीच में गैप दो का होता है दो लगातार इवन नंबर या दो लगातार ऑड नंबर के बीच का गैप टू होता है तो अगर आप फर्स्ट नंबर एक्स मान लें टेन में गेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू एक्स तो सेकेंड नंबर कितना हो जाए एक्स प्लस टू हर एक ईवी नंबर के बाद जो अगला ईवी नंबर आता है जैसे दो के बाद चार आता है चार के बाद छः आता है उसमें दो का फर्क आ जाता है दो आगे बढ़ के आता है उन्हें पहला नंबर एक्स ले लिया दूसरा नंबर एक्स प्लस टू ले लिया और इनका सम जो है इन दोनों का सम कर लीजिए जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा करते जाइए इनका सम इसकी वैल्यू दी गई है 74 तो 74 है 2x प्लस 2 इक्वल टू 74 टू एक्स इक्वल टू 74 माइनस 2 टू एक्स की वैल्यू 72 होगी एक्स की वैल्यू 72 अपॉन 2 कितनी होगी 36 तो फर्स्ट नंबर हो गया हमारा 36 सेकेंड नंबर हो गया 36 प्लस 2 दैट इज 38 तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिया क्वेश्चन नंबर 10 था ये तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस की कंडीशंस बनानी है कंडीशन बनाते बनाते आपको ये चीज सॉल्व कर लेनी है तो इनके बीच के जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए उनको आप इसी तरह से कंडीशन बना के सॉल्व कर लीजिए बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।